नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा वो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के लिए 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान की क्रांति से संबंधित है। तो आज का मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। टेस्ट देने से पहले आपको दो काम करने होते हैं दोस्तों, मैंने बताया था। एक तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। ये 1857 क्रांति के ऊपर मैंने ट्रिक के ऊपर भी एक्सप्लेन चीज़ें इसके अंदर की है। उसके बाद में ये मॉक टेस्ट, ये दो चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपको अदर से कोई बुक, अदर से कोई नोट्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1857 क्रांति में से आपका प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर आज के मॉक टेस्ट की। आप सभी को पता ही था दोस्तों कि आज 1857 के ऊपर थी, मैंने टेलीग्राम पर ये पोस्ट डाल दी थी कि रात को आज 1857 क्रांति राजस्थान की भी है और इंडिया की, लेकिन हम राजस्थान की क्रांति के ऊपर मॉक टेस्ट आपका ले रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज के मॉक टेस्ट की, जो कि 1857 क्रांति राजस्थान के ऊपर क्विज में आज आपके सामने लेके आए हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको सही से उत्तर देना है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, लास्ट का ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, नसीराबाद छावनी, नीमच छावनी, एरनपुरा। यानी नसीराबाद छावनी दो बार यहाँ पर आया है, और दो नीमच है और एक एरनपुरा। तो यहाँ से भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नसीराबाद छावनी दो आ गए तो कन्फ्यूजन हो गया। चलिए आगे डेट का आगे देखें, 28 मई है 1857 और 31 में 1857। तो बताइए कब हुई 1857 की क्रांति की शुरुआत? तो चलिए आंसर चेक करते हैं आपके सामने, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न, पहला ही ऑप्शन आपके सामने सही हो गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के AGG कौन थे? अब ये दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता 1857 क्रांति वाला, तो मैंने ये शुरुआत में AGG वाला मैटर करवा रखा दोस्तों। तो कौन थे भी? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मैक मेशन, कर्नल जेम्स टोंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए चेक करते हैं, जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस क्या थे 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के AGG थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन सी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कि 1857 की जो विद्रोह होता है उसमें कौन सी छावनी के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी, कौन सी ऐसी छावनी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देवली, ब्यावर छावनी, खेरवाड़ा एरनपुरा छावनी, देवली खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। क्या होगा इसका राइट बताइए? चलिए तो आपके सामने ऑप्शन हो गया ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखें चीज़। अगला प्रश्न, राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी, दूसरा स्थान पूछा राजस्थान ने, पहला स्थान नहीं पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो पहला स्थान आपको पता होना चाहिए, तो दूसरा स्थान कौन सा होगा बताइए दोस्तों। चेक कीजिएगा, देवली, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा, आपने रिविजन कर रखा है, तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन होगा नीमच, पहला क्या होगा नसीराबाद, अजमेर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की को हराया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बड़े डिटेल से बताया था दोस्तों। भिथोड़ा का युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? कैप्टन सावर्स, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिटकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन हिटकोट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी बताइए? बहुत ही जैसा प्रश्न है, 6, 7, 8, 9, क्या ऑप्शन सही होगा? तो इस द करेक्ट आंसर है 6। अगला प्रश्न देखो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कौन सी छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीमच, ब्यावर, एरनपुरा, नसीराबाद। इस द राइट आंसर हो जाएगा आपका एरनपुरा छावनी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, जोधपुर के किस महाराज ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोह से युद्ध किया था बताइए? मानसिंह, भीम सिंह, तख्त सिंह, बन्ने सिंह, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों महाराजा तख्त सिंह हो जाएगा। PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके, आप ज्वाइन करें ना। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त, भक्ति रहित और स्वार्थ सैनिक विद्रोह था? किसके अनुसार, किसने कहा था ये? मुंशी जमनालाल, दुर्गदास बिंदुपाध्याय, टी और होम्स, सर जॉन सील। इज द करेक्ट आंसर सर जॉन सील। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों, तख्त सिंह,
सॉरी राम सिंह द्वितीय महाराव राम सिंह द्वितीय स्वरूप सिंह जोधपुर के राजा पूछे 1857 क्रांति के समय कौन थे। इज द करेक्ट आंसर तख्त सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न अगला है, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए, रोटी तलवार फल फूल क्या था। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रोटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी है पैथिक लॉरेंस माउंटबेटन और लॉर्ड केनी। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए जल्दी करिए कमेंट करके, और शेयर मार दीजिएगा सभी जगह एक बार इस वीडियो को दोस्तों। चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था क्रांति के समय। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, 1857 क्रांति के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कोठरिया बिडर बिदनोस आसिंद क्या था ऑप्शन, तो आई थिंक कम बच्चों को ही पता होगा, गहराई से अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं, कोठारिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ब्रायटन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे बताइए। अच्छा प्रश्न है, कहाँ मारे गए थे, नीमच नसीराबाद ब्यावर कोटा, क्या आंसर से हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857 क्रांति में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बताइए, कुशाल सिंह था, राम सिंह था, जयदयाल था, भगत सिंह था, कौन था उसमें, चेक कीजिए कमेंट करके आंसर दीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर जयदयाल, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 क्रांति के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांता टोपी की सहायता की थी, आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, बागोर के शिवदान सिंह, सिलिमपुर के केसरी सिंह, असिंध के दुले सिंह। तो आई थिंक ये भी प्रश्न भी दिक्कत आ रही होगी बच्चों को, थोड़ा सा गहराई में प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, आप आंसर देख लीजिएगा, सिलिमपुर के केसरी जी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था, अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था क्रांति में, ठाकुर कुशाल सिंह ने, तांता टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था, अजमेर नीमच आउवा जयपुर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जाएगा दोस्तों, फिर कह देता हूँ, क्रांति का केंद्र नहीं था ये प्रश्न है वो भी आपको ध्यान रखने हैं, तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था, अजमेर नीमच आउवा ये थे। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था, क्यों हुई थी विद्रोह, सैन्य के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बटालियन बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारी करना, उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोही सेना का नसीराबाद आराज बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, 1857 क्रांति में नसीराबाद छावनी विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण दोस्तों क्या था, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो कि 15वीं बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना सैनिक तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह के लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था, उदयपुर बीकानेर जयपुर जोधपुर, कहाँ हुआ था भैया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कब स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति, ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए बताइए आंसर, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 28 मई 16 मई 24 मई, अगर आपको याद होता तो बताइएगा, इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 मई। अगर यही प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि भारत में कब कहाँ कब हुई थी, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 10 मई 1857 मेरठ के अंदर भारत के अंदर हुई थी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भिथोरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया, वर्तमान में भिथोरा किस जिले में है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पाली हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया, ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, आउवा आयोग, बर्टन आयोग, इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 नंबर जो प्रश्न था उसमें गलत प्रिंट हो गया था, तो इसकी वजह से वो आपके सामने शो नहीं होगा, हम डायरेक्ट अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था बताइएगा, टोंक में, कोटा में, अजमेर में, धौलपुर में, कहाँ विद्रोह किया था, इस द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटा हो जाएगा। किस जिले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मिशन का सिर लटका दिया गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस दरवाजे पर, किस किले के मुख्य दरवाजे पर
अंग्रेज अधिकारी का मॉक मिशन का सिर अटका दिया गया था, बताइए किस किले में? मालकोट, लोहागढ़, आउवा, कुचामन। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आउवा का किला। धारा किंग से बात हुई, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है, आओ आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, किसकी रचना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। दुर्शा, बांकीदास, केसरी बराहट, गिरधर आंसिया, क्या होगा इसका ऑप्शन? इज द करेक्ट आंसर बांकीदास। अगला प्रश्न चलते हैं, तंत्र टोपे अठारह स्थानीय क्रांति इसमें कितनी बार राजस्थान आए थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 1, 2, 3, 4। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, राज्य के किस अभिलेखाकार में अठारह क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सेना की सूची उपलब्ध है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, बीकानेर, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार में। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों में किसने संधियाँ की थी, बताइए इसका आंसर? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिटिन, रिपन, हेस्टिंग। द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। आपके सामने है, अट्ठारह स्थानीय क्रांति की लोक देवी माना है जिसे, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुंडा माता, सुगाली माता, शीतला माता, सवांगी माता, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इज द करेक्ट आंसर होगा सुगाली माता। नीमच से भागे अंग्रेज महिला व बच्चों को किस गांव से में सबसे पहले शरण मिली? अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नीमच से भागे थे, आपको पता है सैनिक वहाँ पर सैनिक मोहम्मद अली बेग अवध का था, जिसने अंग्रेज का वध कर दिया, अधिकारी एबुट का, है ना, वहाँ से फिर अंग्रेज भागे से रची तोड़ होते हुए कहाँ पहुँचे? जगमंदिर में अंग्रेज सैनिकों को शरण दी गई थी, आपको पता होगा यहाँ पर। तो बताइए क्या पूछा गया, किस गांव में, गांव का नाम पूछा, चेलावास, कठोरिया, बिंदोरा, डोंगला, क्या आंसर हो जाएगा? डोंगला गाँव में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? टोपे, पांडे, कुंवर सिंह, जयदयाल, बताइए। ये तो छोटे छोटे प्रश्न आपको आने चाहिए, बैरकपुर छावनी में प्रमुख क्रांतिकारी मंगल पांडे, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा याद आपको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? अच्छा प्रश्न है, इस तरह का कम ही आप याद करते हो, कैसा नहीं आएगा, मोटे तौर पर याद करते हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। झालावाड़, बूंदी, करौली, मेवाड़, क्या हो जाएगा इसका? करौली। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। अठारह सौ क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तांता टोपे, हाकिम अहमद, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग, तो शायद याद नहीं होगा आपको, है ना। चलिए मोहम्मद अली बेग, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से किस स्थान पर अठारह सौ क्रांति के दौरान मॉक मिशन मारा गया था? एरिंगपुरा, आउवा, कोटा, नशीराबाद, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिएगा। चलिए आउवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कोटा में अठारह विद्रोही का एक नेतृत्व था? कन्हैयालाल, कुशल सिंह, जयदयाल, नंदकिशोर, अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बताइए बताइए जल्दी। इसका आंसर है जयदयाल, ऑप्शन सी आपका यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, अठारह सौ क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश, थॉमस चार्ल्स मेटकाफ, क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा प्रश्न है, चलिए आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अठारह सौ ने पहला विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ था? बताइए पहला विद्रोह कहाँ पे जंग छिड़ी थी राजस्थान में, बताइए बताइए जल्दी करके आप। इसका ऑप्शन माउंट आबू, नीमच, नशीराबाद, आउवा, इसका आंसर हो जाएगा नशीराबाद। और ये प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, बीएसटीसी के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी, बताइए सितंबर, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन सही? ऑप्शन सितंबर और नवंबर 1803 में संधियाँ। तो दोस्तों कैसा रहा आज का मॉक टेस्ट, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा रहा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कितने प्रश्न आपने सही किए। अट्ठारह सौ क्रांति भारत की और राजस्थान की अलग अलग है, दोनों में प्रश्न अलग अलग बनते हैं, तो मैंने राजस्थान वाली करवा दी है, जैसे समय मिलता है मैं इंडिया के भी आपके सामने लेके आऊँगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक घंटे के अंदर अंदर मैं वो पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।